सरस्वती नमः। आज आप लोग स्वदेश प्रेम, जो आप लोग ये कविता राम नरेश त्रिपाठी द्वारा, जो आपका अंतिम, आपके अंतिम तो नहीं कह सकते, इस अगले भाग में का आप लोग पठन पाठन करेंगे। दस के सभी छात्र, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निसिवासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यहां कवि राम नरेश त्रिपाठी जी, इन्होंने मानव के अंदर देशभक्ति की भावना तथा उसके गौरव की भावना को भरने का, ओतप्रोत करने का आवाहन किया है। प्रसंग है ये आपका, देशभक्ति की भावना को जागृत किया है। तो अब राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, हे प्यारे देशवासियों बंधुओं, देशवासी बंधुओं, इस देश का व्यापार अत्यधिक अतीत काल से उन्नत था। यहाँ अनेक अणपो समुद्री जहाज समुद्र के हृदय पर, निछाती माने समुद्र अपने हृदय पर जहाज के माध्यम से प्रसन्नता पूर्वक संसार के समस्त तटों पर अपना व्यापार करता था। फिर एक बार, समुद्री इस प्राचीन काल से या अतीत काल से इसका व्यापार बहुत ही उन्नत था। इस देश का व्यापार बड़ा ही, क्योंकि प्राचीन काल इस समय हमारा जितना भी है समुद्री मार्ग द्वारा, समुद्री जहाजों के द्वारा इधर उधर व्यापार चलता है, बंदरगाहों इधर कोलकाता, मुंबई, मद्रास, चेन्नई इत्यादि, जहां से जहाज जाया करते इधर उधर अपना आयात निर्यात होता है वस्तुओं का। तो उसी के विषय में देशवासियों को जागृत करते हुए कहता है कि इस समुद्री देशवासी बंधुओं, हे देशवासी बंधुओं, यहाँ अर्णव पोत, अर्णव माने सागर, पोत माने जहाज, समुद्री जहाज, अनेक समुद्री जहाज समुद्र की छाती हृदय पर होकर, वक्ष स्थल से होकर समस्त भूमंडल इस संसार के समस्त तटों पर प्रसन्नता पूर्वक इधर उधर व्यापार करता था। फिर आज भी नदियां जिनकी जिसकी यस धाराशी, नदियां आज जो नदियां बहती हैं तो हमारे पूर्वजों की आज भी धारा के रूप में उनका यश गान करती। आज जो नदियां निसिवासर, निस माने रात्र, वासर माने दिन, आज नदियां भी दिन रात जो बहती धारा के रूप में प्रवाहित होती हैं, वह उनके, हम अपने पूर्वजों के यश का गान करती हैं। और यदि हे देशवासियों, हे प्यारे देशवासियों, यदि आप लोग चाहते हो तो ढूंढो उनके चरण चिन्ह, अगर अपने उन प्यारे देशवासियों के चरण चिन्हों को अगर आप लोग खोजना चाहते हो तो इन नदियों के तट पर, आप किनारों पर अवश्य ही उनके चरण, चरणों के चिन्ह अर्थात उनके अवशेष अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। आपकी खड़ी बोली इसमें देशभक्त की भावना को जागृत किया है। और यश धारा सी रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार आपके अलंकार हैं। नंबर 3 शांत रस प्रसाद गुण अर्धा शब्द शक्ति और गीत छंद। आगे देखिए अगला पद, विश्वत रेखा का वासी जो
जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुवासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर। तो देखो आगे देशवासियों के प्रति भक्ति भावना को, देश भावना को जागृत करते हुए आदर्शवादी कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं इस पंक्तियों के माध्यम से, जो विषुवत रेखा अर्थात जो भूमध्य रेखा पर जो लोग रहते हैं, अत्यधिक गर्मी के कारण निवासवासी माने रहने के कारण विषुवत रेखा पर अर्थात भूमध्य रेखा पर जो लोग निवास करते हैं, वह भी अत्यधिक गर्मी के कारण अपने रोज हाफ हाफ करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और रखता है अनुराग, वह भी अपने इस देश से अलौकिक दिव्य प्रेम रखता है, अलौकिक प्रेम रखता है, अनुराग रखता है। वह भी अपनी मात्र अपनी इस मातृभूमि से अलौकिक प्रेम रखता है। ध्रुवासी जो हिम में तम में, और जो लोग ध्रुवों पर रहते हैं, ध्रुव अर्थात ठंडे प्रदेशों, ध्रुव रेखा पर जो निवास करते हैं अर्थात ध्रुव रेखा पर अत्यधिक सर्दी पड़ती, तो वहां भी ध्रुव रेखा के जितने भी वासी हैं, हिम माने बर्फ और अंधकार में तपक में रहकर वह भी अपना कंपित होकर कांप कांप करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। वह भी जो ध्रुव रेखा पर निवास करने वाले लोग हैं, वह भी अपनी अत्यधिक शीत के कारण अपना जीवन कंपित होकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और जीवन यापन कर लेते हैं वह भी, और वह अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मातृभूमि काव्य सौंदर्य है, मातृभूमि के प्रति प्रेम को जागृत किया गया है। छंद नाटक छंद है, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश तथा उपमा अलंकार है। भाषा सरल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ओज गुण है। शैली भावात्मक शैली लक्षणा शब्द शक्ति और शांत के साथ वीर रस भी। आपके लिए आज के लिए इतना ही, कल आपका अगले वीडियो के तात्पर्य में आप लोग कल देखेंगे, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इतने का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।